इस वीडियो में आपको एक लारावेल का प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देने वाला हूं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया था। उसका नाम है टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप इसको इशू ट्रैकर भी बोल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि टिकट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है या फिर इशू ट्रैकर क्या होता है, तो इस वीडियो में आपको ये सब सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि बेसिकली इशू मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, या फिर इशू ट्रैकर क्या होता है, या फिर टिकट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, टिकट कैसे इसमें रेज किया जाता है, या फिर इशू ट्रैकर में क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन काम कैसे करता है, और यहाँ पे आपको जो क्लाइंट है वो डिफरेंट लॉगिन कैसे कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय हैं आपके पास वो कैसे यहाँ पे आके लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इशू ट्रैकर में या फिर टिकट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है। तो बेसिकली देखिए, जैसे आप एक प्रोडक्ट देते हैं या फिर एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और आपके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, तो उनको जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर उनको कुछ इशू आएगा, तो उस इशू को कहाँ पे वो लोग रेज करेंगे, उस इशू को कहाँ पे आपसे बात करेंगे। आप कॉन्टैक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्टर्स में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कॉन्टैक्टर्स में, कि एक बार जैसे उसने जो आपका कस्टमर्स उसमें कॉन्टैक्टर्स में आपको मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद वो आपको मिल गया, लेकिन आप जब रिप्लाई करते हो तो उसको आपको मैन्युअली रिप्लाई देना पड़ता है, और फिर से अगर उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको वहाँ पे नया कॉन्टैक्टर्स में जाके एक फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो इशू ट्रैकर या फिर टिकट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट जो क्लाइंट हैं उनके लिए एक अलग लॉगिन का सेक्शन होगा। वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ पे वो देख सकते हैं कि कितने उनके पास इशू हैं जो रेज नहीं हुए हैं, रेज करने हैं, या फिर जो जिनका स्टेटस जो है अभी तक पेंडिंग है, मतलब कि उनका इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और ये आपके लिए भी बहुत आसानी होगा कि कौन सा क्लाइंट है, जितने सारे क्लाइंट है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। और कॉन्टैक्टर्स में जाते हैं तो सारे को फॉर्म को एक एक बार देखना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन बेसिकली इस एप्लीकेशन में क्या है कि इस एप्लीकेशन में आपको तीन सेक्शन मिलते हैं, एक क्लाइंट का सेक्शन मिलता है, एक एम्प्लॉय का सेक्शन मिलता है, और एक एडमिन का सेक्शन मिलता है। तो क्लाइंट के सेक्शन में क्या होगा कि क्लाइंट आएगा और वहाँ पे इशू को देखेगा कि भाई मुझे ये इशू है, मुझे इसको रेज करना है। तो वहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, एक तो क्लाइंट लॉगिन कर सकता है, और अगर एक आपका जो इशू है जो बाय डिफ़ॉल्ट वो आते रहता है, सबको आते रहता है और अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए एक आर्टिकल भी लिख सकते हैं कि भाई ये इशू है, इसको आप देख लो और इसको वो सॉल्व कर सकता है डायरेक्टली आर्टिकल देख के। लेकिन अगर कोई नया टाइप का इशू आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा कि एक नया टिकट को रेज करेगा, उस टिकट में अपना इशू डालेगा, उसका नाम डालेगा, डिस्क्रिप्शन डालेगा, कैटेगरी डालेगा, और अगर कोई इमेज होता है, इमेज या फाइल होता है, तो वो भी उसको अपलोड करके उसको सबमिट कर देगा। जब वो सबमिट करेगा, सबमिट करने के टाइम में जो उसका स्टेटस होगा वो वहाँ पे होगा पेंडिंग, फिर टिकट रेज हो गया। टिकट रेज होने के बाद जो एडमिन है उसको भी मेल मिलेगा, क्लाइंट है उसको भी एक मेल मिल जाएगा कि आपने जो टिकट रेज किया था उसका टिकट आईडी ये है, और जो यूजर एडमिन है उनको भी एक मैसेज मिल जाएगा कि नया एक आपके पास इशू आया है। और साथ में जब वो एडमिन पैनल में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि एक आपके पास एक नया आपके पास एक नया इशू आया है, जो कि टिकट आईडी ये है, क्लाइंट ये है, और पूरा जो क्लाइंट का ओवरव्यू है, डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देगा कि किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इशू है, और ये जो क्लाइंट है वो क्या है, कहाँ का क्लाइंट है, मतलब किस प्रोजेक्ट का क्लाइंट है, उसका जो क्लाइंट का पूरा ओवरव्यू डिटेल्स है वो मिल जाएगा, फिर टिकट का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप टिकट को क्या कर सकते हैं कि आप असाइन कर सकते हैं, या तो खुद को आप असाइन कर लीजिए, या फिर आपके कंपनी में जो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं उनको भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं विथ डिफरेंट स्टेटस। तो आप इशू को अपने सपोज कि आप किसी और को असाइन कर दिया, उसके बाद वो इशू को देखेगा, इशू को देखने के बाद उसको इशू का जो भी सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन करके जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको फिर से वो सबमिट कर देगा, और स्टेटस वहाँ पे जो भी पेंडिंग रहेगा वो पेंडिंग रहेगा ही। उसके बाद क्या होगा कि जब फिर से जो कस्टमर है उसको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन दोनों के थ्रू मिलेगा, वो या तो वेबसाइट में लॉगिन करता है तब मिलेगा, एप्लीकेशन मतलब लॉगिन करता है तब मिलेगा, या फिर जब वो मेल में जाता है तब भी उसको एक मेल भी मिल जाएगा, तो उसको एक मेल भी मिल जाएगा, मेल के द्वारा भी उसको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। फिर वो इशू देखेगा, अगर इशू उसका सॉल्व हो गया है, ठीक है, तो स्टेटस को क्लोज कर सकता है, और अगर स्टिल वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से वो नया जो उसमें डिस्क्रिप्शन में फिर से वो अपना
कुछ अलग जो इशू है कि नहीं सॉल्व हुआ या सॉल्व हुआ, फिर से वो अपना रेज करके भेजेगा। तो सेम टिकट रहेगा, जब तक वो इशू कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये राउंड चलते रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि टिकट क्लोज हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने क्लोज कर दिया, और उसके बाद अगर कुछ दिनों के बाद फिर से सेम इशू आता है, तो उस टिकट को फिर से वो री इशू भी कर सकता है। जो इशू आया है पहले, उसको फिर से वो री इशू भी कर सकता है। तो ये एडमिन का जो कस्टमर का पॉइंट है, वो आपने देखा कि यहाँ पे कस्टमर क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के साथ यहाँ पे यूज कर सकता है, टिकट को रेज कर सकता है, टिकट को देख सकता है कि लास्ट मंथ में उसने कितने टिकट रेज किया था, उसमें से कितने सॉल्व हो गए हैं, कितने अभी पेंडिंग हैं या फिर कितने अभी प्रोग्रेस में हैं। उसके साथ जो उसको मिलता है वो FAQ का यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है। उसके साथ ही वहाँ पे जो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आर्टिकल का सेक्शन, वो भी उसको मिल जाता है। फिर उसको कॉन्टैक्ट अस का भी मिल जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन रखा है, अगर उसको डायरेक्टली अगर कॉन्टैक्ट करना है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अभी जो क्लाइंट है वो लॉगिन कैसे करेगा? तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकता है, और दूसरा है कि सोशल लॉगिन। तो सोशल लॉगिन का मतलब यह है कि वो अपना यहाँ पे फेसबुक का आईडी, फेसबुक से लॉगिन कर सकता है, गूगल से लॉगिन कर सकता है, या फिर जो डिफरेंट होते हैं लिंकडिन, उनसे लॉगिन कर सकता है। तो डिफरेंट सोशल लॉगिन यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, वो उससे वो लॉगिन कर सकता है। इसको ये सब जो मैनेजमेंट है वो एडमिन करेगा कि भाई जो क्लाइंट है वो सोशल लॉगिन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे अलग से भी फीचर आते हैं कि जैसे लॉगिन करने के लिए वो न्यू पेज में जाएगा या फिर पॉपअप में ओपन होगा। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे काम करते हैं सारी चीज़ें। बस इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कैसे काम करेगा। उसके बाद जब अभी एक कस्टमर का हो गया, अभी हम लोग चलते हैं एडमिन के सेक्शन में। एडमिन क्या करेगा कि एडमिन का सबसे पहला पॉइंट है कि वो कैटेगरी क्रिएट कर सकता है डायनेमिकली। यहाँ पे कोई भी स्टेटिक कैटेगरी नहीं होगा, जो भी कैटेगरी चाहता है तो क्रिएट कर सकता है। उसके साथ ही वो डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है, क्लाइंट को भी अपने ऐड कर सकता है, और खुद से भी वो कोई टिकट को रेज कर सकता है। अगर किसी क्लाइंट के बिहाफ में नया एक टिकट रेज करना है उसको, और उसको असाइन किसी और एम्प्लॉय को करना है, तो भी कर सकता है। ऑब्वियसली एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, और एम्प्लॉय का परमिशन भी वो दे सकता है कि कौन से एम्प्लॉय को कौन से स्किन यहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स है कि जैसे कि जो टिकट रेज होगा उनका सफिक्स क्या होगा, उनका नेम किस चीज़ से स्टार्ट होगा, टिकट कितने दिन के बाद ऑटोमेटिक क्लोज होगा, कौन से क्लाइंट है जो लॉगिन कर सकते हैं, कहाँ से लॉगिन करेंगे वो, उनके उनको लॉगिन करने के लिए कैप्चा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो रहेंगे। उसके साथ ही जो एडमिन है वो पूरे वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकता है, उनका कलर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर यहाँ पे हम लोगों ने डाला है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें इसको मिल जाती है जो यूजर्स हैं। तो इसको ओवरव्यू मैंने आपको एक दे दिया कि कैसे ये काम करता है। अभी हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि इसके पूरे फंक्शनलिटी को कैसे देखते हैं और इसका लुक एंड फील देखते हैं कि कैसे ये दिखता है। तो यहाँ पे अब मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसको एक्सेस कैसे करना है। जो एप्लीकेशन है बेसिकली मैं वो दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद मैं आपको एडमिन पैनल और एम्प्लॉय हैं उनको भी मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपने एक URL में डाल लेता हूँ। तो जो इशू ट्रैकर है या फिर जो टिकट मैनेजमेंट सिस्टम है, सबसे पहले जो दिखेगा वो इस तरह से इसका लैंडिंग पेज होगा, जहाँ पे ये बेसिकली जो है आपके कस्टमर के लिए या फिर जो आपके क्लाइंट हैं उनके लिए होगा ये। तो यहाँ पे वो डिफरेंट आप जैसे देख सकते हैं, मेन्यू है, होम है, नॉलेज है, FAQ है, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, रजिस्टर, और यहाँ पे लास्ट में सबमिट टिकट भी है। तो इस पे हम लोग आएंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि अगर जैसे कि मैंने बोला कि ऑलरेडी अगर कोई इशू है या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कोई FAQ है जो मतलब आप डालना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वेबसाइट पे आप दिखाना चाहते हैं कि ये सारे कस्टमर को देखे, अगर कुछ एक कॉमन इशू आ रहा है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको बार बार जो कस्टमर हैं उनको बार बार रिप्लाई देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे कि कैसे मुझे एक्सेस करना है, जैसे कैसे मुझे अगर कुछ रोल क्रिएट करना है तो मुझे कैसे क्रिएट करना है,
अगर ये चीज़ किसी यूजर को जानना है या फिर डॉक्यूमेंटेशन वाला कोई पार्ट है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा, जैसे अब देखिए मैंने कुछ भी लिखना शुरू किया तो यहाँ पे वो आते गया कि क्या मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो कैटेगरी है उसके लिए आ रहा है, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है उसके लिए आ रहा है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी के लिए आप ऐड करेंगे वो सारे चीज़ यहाँ पे आते जाएंगे। अभी जैसे जैसे आप सर्च करेंगे ना तो वैसे वैसे यहाँ पे डेटा आपको मिलते जाएगा। तो एक तो ये है कि जो यूजर है वो अगर कुछ कॉमन इशू है, कॉमन डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना है तो यहाँ पे देख सकता है। बाकी नीचे जो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप डायनेमिकली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे देना है, ईमेल देना है या फिर ये टाइटल डिस्क्रिप्शन देना, ये चेंज कर सकते हैं। ये सब जो टेक्स्ट कंटेंट इमेज है वो चेंज कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल्स है, अगर आप वेबसाइट में कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं तो आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे रिसेंट आर्टिकल है, जो ज़्यादा बार रीड किया गया है वो सब आर्टिकल है। टेक्निकल सपोर्ट सिक्योरिटीज का है, यहाँ पे व्यू ऑल करने के बाद जो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितने व्यू हुए हैं, कितने लाइक हुए हैं, कितने डिसलाइक हुए हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकता है जो यूजर है। ओके, तो ये जो मेनली हो गया ये आपका लैंडिंग पेज, यहाँ पे जो क्लाइंट है उनके लिए है, ये क्या इस क्लाइंट ने दिया है टेस्टिमोनियल उसके लिए है। उसके बाद जो FAQ है, FAQ के यहाँ पे टैग्स हैं, एक एक टैग के लिए यहाँ पे FAQ है। जैसे प्रोडक्ट और इन्वेंट्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट और इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने FAQ होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड जो FAQ होंगे आ जाएंगे यहाँ पे। तो टॉपिक वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं FAQ। यहाँ पे मैं एक बार फुल FAQ में क्लिक करता हूँ तो उसके बाद देखिए सप्लाई मैनेजमेंट में मैंने FAQ डाला है। तो यहाँ पे कैन आई ट्रैक स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर थ्रू आउट द सप्लाई चेन, तो यहाँ पे जो FAQ में जो रिजल्ट है वो आ जाता है। सेम चीज यहाँ पे है, तो जो भी FAQ रहेगा ना वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। नॉलेज में अगेन वो जो आर्टिकल वाला सिस्टम है वो सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नॉलेज में। होम पे तो आपको पता है कि वो जो डैशबोर्ड वाला होम है वही है। तो यहाँ पे नॉलेज देख लिया हम लोगों ने, FAQ देख लिया था। कॉन्टैक्ट अस में देखिए, कॉन्टैक्ट अस में जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट अस है तो होता है, जो मैक्सिमम वेबसाइट में जो कॉन्टैक्ट अस होता है वो है यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अच्छा। और ये कैप्चा जो है वो आप यहाँ पे डायनेमिक है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसका सेटिंग जो है वो आपको एडमिन पैनल में मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे लॉगिन पेज पे, तो यहाँ पे लॉगिन देखिए, तो मैं एक बार होम में चला जाता हूँ और उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे होम में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो दो ऑप्शन मैंने दिया है, क्योंकि मैंने इनेबल सिर्फ यहाँ पे गूगल को किया है तो यहाँ पे लॉगिन विद गूगल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल है, पासवर्ड है। ओके, तो यूजर के पास दो ऑप्शन है। अगर मैंने लॉगिन विद गूगल को इनेबल नहीं किया होता तो ओनली वन ऑप्शन होता है यहाँ पे, लेकिन चूंकि मैंने इनेबल किया है यहाँ पे तो यहाँ पे आ रहा है ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन विद गूगल। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कि लॉगिन विद गूगल के लिए हो गया, डायरेक्टली वो लॉगिन विद गूगल कर लेगा। या फिर वो क्या कर सकता है कि अगर वो रजिस्टर कर लेगा यहाँ पे, अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन विद गूगल का, या फिर उसको अगर ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करना है तो आप वो रजिस्टर कर लेगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल देखे, पासवर्ड देखे, और यहाँ पे अगेन कैप्चा आ जाता है। तो यह एक खूबसूरत सा जो कैप्चा है वो यहाँ पे क्लिक करेगा कि ये जो ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उसको फिल ना कर पाए, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली ये सिक्योरिटी बेस्ड है कि कोई भी रोबोट वगैरह से डायरेक्टली इसमें डेटा को पुट ना करते रहे, तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है किसी भी वेबसाइट में। तो आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं एडमिन पैनल से। तो ये रजिस्टर का है, अगेन ये लॉगिन विद गूगल है। आपको यहाँ पे लॉगिन विद गूगल में केवल अपना लॉगिन का जो क्लाइंट आईडी और ऑथ की है वो केवल यहाँ पे देना होता है, तो ये काम करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेज हैं यहाँ पे, लैंग्वेजेज मल्टीपल लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ अलग आप लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं
तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि जितने कंटेंट हैं उनके लिए आपको ट्रांसलेशन यहाँ पे यूज करना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जैसे वो क्लिक करेगा वैसे यहाँ पे ये चला जाएगा। ठीक है, अभी सपोज मान लीजिए कि एक ऐसा आपका बिजनेस है जहाँ पे क्लाइंट को रजिस्टर नहीं है, आपके पास पता नहीं कि आपके कौन से कस्टमर हैं, उनका आपको एड्रेस नहीं पता है, उनका डिटेल्स नहीं पता है कि उनका लॉगिन आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये कुछ भी डिटेल्स पता नहीं है। उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन आपका सर्विस या प्रोडक्ट को बाई किया और वो टिकट रेज करना चाहते हैं, तो चूंकि उनके पास कोई भी लॉगिन नहीं है ना ही वो रजिस्टर करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि क्विक वे में यहाँ पे वो सबमिट टिकट पे क्लिक करेंगे। और सबमिट टिकट पे क्लिक करने के बाद उनको छोटा सा एक काम करना होगा। ये क्या करना होगा कि उनको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना होगा, जिससे कि क्या होगा कि जो एडमिन है, मतलब जो आपका सर्विस जो आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन ईमेल है, मतलब जेन्युइन बंदा है। नहीं तो यहाँ पे कुछ भी ईमेल वो दे देगा तो फिर आपके लिए उस कस्टमर तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट ईमेल वैलिडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ईमेल है, वो ईमेल यहाँ पे देगा और उसके बाद से यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेगा तो उसको एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी के लिए फिल यहाँ पे करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल दूंगा, उसके बाद मैं गेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी देना होगा। जब ओटीपी वैलिडेट होगा तब ये जो नीचे वाला फील्ड होगा, ठीक है, ये सब फील्ड जो है वो इनेबल होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिजेबल है। और यहाँ पे सेम यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकता है, यहाँ पे कैप्चा वो डाल देगा और क्रिएट कर देगा। तो जब भी ये क्रिएट होगा ये टिकट, जब ये टिकट क्रिएट होगा तो एडमिन पैनल में ये दिखाएगा क्रिएटेड टिकट एज ए गेस्ट, मतलब कि गेस्ट ने इस टिकट को क्रिएट किया है। ओके, तो ये गेस्ट का जो टिकट है आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम जो है वो गेस्ट टिकट है, तो गेस्ट इस टिकट को क्रिएट कर सकता है। अगर मैं चाहता हूँ लॉगिन पे और मैं डायरेक्टली मैं लॉगिन कर लेता हूँ लॉगिन गूगल के थ्रू, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे ना एक नीचे में एक ब्लैक कलर का एक पैनल आ रहा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ डिस्क्रिप्शन, वेलकम टू लर्न कोड यूथ सपोर्ट। ये बेसिकली क्या है ना कि ये यहाँ पे ये आ रहा है आपको डैशबोर्ड में जो अलर्ट्स अगर आते हैं ना, नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, या फिर ग्रीटिंग मैसेज है, या फिर कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए है यहाँ पे। तो ये जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो अगर आप कुछ नया चीज़ लॉन्च कर रहे हैं या फिर नया कोटेशन आप दे रहे हैं तो इसको दे सकते हैं, और इसका डेट टाइम भी दे सकते हैं कि कब से कब तक ये विजिबल होगा, उसी डेट रेंज के अंदर ये विजिबल होगा। तो अभी चूंकि मैंने ये दिखाने के लिए मैंने इसको इनेबल किया है, और एक बार अगर वो क्लोज कर देगा तो ये फिर ये क्लोज हो जाएगा, फिर ये ओपन नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि जब गेस्ट लॉगिन होता है तो उसको बहुत सिंपल सा एक डैशबोर्ड मिलता है जिसमें उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे दिखेगा तो गेस्ट, चूँकि मैंने लॉगिन किया था लॉगिन विद गूगल, तो एज ए गेस्ट दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी तक प्रोफाइल इसका सेटअप नहीं किया है, जस्ट मैंने लॉगिन किया है। तो यहाँ पे गेस्ट दिखा रहा है, यहाँ पे जो ईमेल है वो आ जाएगा, यहाँ पे टोटल टिकट है, कितने टिकट क्रिएट किए थे, एक्टिव कितने हैं, ऑन होल्ड कितने हैं, और क्लोज कितने टिकट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3 टिकट मैंने क्रिएट किया है वो टिकट यहाँ पे दिख रहा है, और ये टिकट का आईडी है, और किस डेट को मैंने क्रिएट किया था, और इसका कैटेगरी क्या था, और कितना दिन ये हो गया, तो 1 वीक ये वो यहाँ पे दिखा रहा है। और स्टेटस इसका क्या है, अभी तक न्यू है, मतलब कि ना ही कोई रिप्लाई है ना ही कुछ है, तो ये जस्ट अभी न्यू ही है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ कैच एज इशू पे, किसी भी एक मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टिकट है वो इशू यहाँ पे हुआ है, क्रिएटेड 1 डेटेड हुआ कैच एज इशू कंसीडरिंग ऑल प्रोडक्ट एंड लोकेशन इंस्टेड ऑफ फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो दिखा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिकट का आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोजेक्ट कौन सा था ये, ठीक है, ओपन डेट क्या था इसका, स्टेटस अभी न्यू है। और यहाँ पे दिखा रहे जो एडमिन है आज का कौन सा डेट है, उनका सपोर्ट डेट क्या है, मतलब टाइमिंग क्या है। जैसे संडे को यहाँ पे दिया हुआ है 12 AM टू 6 PM, उसी तरह से टूडे के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 24 आवर, तो ये एडमिन ने सेट किया है कि 24 आवर के लिए ये काम करेगा, सपोर्ट जो है वो एक्टिव है, तो यहाँ पे 24 आवर के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। अभी यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं कि न्यू है और सॉल्वड है। अगर वो रेज करता है टिकट तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट न्यू रहता है, नहीं तो अगर सॉल्व है तो फिर वो सॉल्व कर देता है।
उसके बाद अगर कुछ नहीं आया यहाँ पे तो वो रिप्लाई करेगा इस टिकट के लिए, और यहाँ पे अपलोड फाइल अगर कुछ भी है तो कर सकता है। एक बार चलते हैं फिर से डैशबोर्ड में, उसके बाद हम लोग इस टिकट को क्रिएट भी करेंगे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद कस्टमर यहाँ पे जो अपना प्रोफाइल है उसको एडिट कर सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, गेस्ट, यूजर नेम गेस्ट है चूँकि इसका, तो वो देख के यहाँ पे वो कर सकता है। मोबाइल नंबर देगा, कंट्री देगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइम जोन है, तो जो भी वो टाइम जोन सेलेक्ट करना चाहता है, अगर आपके कस्टमर जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया से हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम जोन वो सेट कर सकता है। यहाँ पे अपना प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकता है, और यहाँ पे वो अपना जो पासवर्ड वगैरह है वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे अगेन वो क्रिएट टिकट के लिए है ऑप्शन, एक्टिव टिकट कितना है, क्लोज कितना है और ऑन होल्ड टिकट कितना है, वो उसको मिल जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार मैं एडमिन पैनल भी दिखा देता हूँ। तो ये तो हो गया कस्टमर का सारा पार्ट, तो आपने देखा कि ये बहुत सिंपल सा है एक डैशबोर्ड, जहाँ पे वो रिप्लाई करता है, यहाँ पे टिकट क्रिएट करेगा और टिकट का जितना सारा चीज़ है वो यहाँ पे वो देख सकता है। अभी हम लोग चलते हैं एडमिन पैनल में, तो मैं जस्ट इस URL को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके मैं जस्ट इसको एडमिन कर दूंगा। तो ये एडमिन का जो लॉगिन है वो कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये जो डैशबोर्ड है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एडमिन है उसका ये डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे ग्लोबल टिकट कितने ग्लोबली टिकट क्रिएट हुए हैं, रिसेंट कितने टिकट हैं, एक्टिव कितने टिकट हैं, क्लोज कितने हैं, और जो मैंने सेल्फ असाइन अपने पे किया है वो कितना है, और मैंने कितने दूसरों को असाइन किए हैं, और क्लोज कितना टिकट है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे वो मतलब एडमिन लॉगिन करेगा डायरेक्टली उसको ये डैशबोर्ड पे लैंड करेगा, और यहाँ पे वो सारा जो डिटेल्स है वो देख सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो टिकट का डिटेल्स है तो वो सेम चीज़ है, यहाँ पे कौन सा यूजर ने इसको रेज किया है, स्टेटस क्या है उसका। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं असाइन करना चाहता हूँ डायरेक्टली इस टिकट को देख के, तो मैं यहाँ पे जस्ट असाइन पे क्लिक करूँगा, और मुझे असाइन किसे करना है, अगर मैं सेल्फ असाइन करूँगा तो मुझे ही ये असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी एम्प्लॉय को असाइन करना तो मैं जस्ट यहाँ पे अदर असाइन करूँगा, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट एजेंट, तो मैं किस एम्प्लॉय को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कर दूँगा। जैसे यहाँ पे महेश सिरदार एडमिन है, अमित कुमार यहाँ पे मैनेजर है, आयुष कुमार एम्प्लॉय है, कैलाश कौशिक यहाँ पे अगेन एम्प्लॉय है, और टेस्ट अपुट एम्प्लॉय एम्प्लॉय है। तो मैं जिसको भी यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ मैं असाइन कर सकता हूँ। अगर जैसे मैंने इसको असाइन कर दिया, एक टिकट है इसको मैंने क्या करता हूँ कि मैं किसी को एक असाइन कर देता हूँ, लाइक मैं आयुष कुमार को मैं असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मल्टीपल मैं असाइन कर सकता हूँ, किसी और को भी मैं असाइन कर सकता हूँ। और जब मैं इसको सेव कर दूँगा तो उसको एक मेल जाएगा, जो एम्प्लॉय है उसको एक मेल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कि टिकट असाइन हो गया है, और यहाँ पर देखिएगा तो ये सब जो स्टेटस है, कौन सा ओवरड्यू है, कौन सा क्या है, वो सब यहाँ पर आपको दिख जाता है। जब मैं सारे नोटिफिकेशन ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे जब यहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद जो स्टिकर का डिटेल्स है वो यहाँ पे वहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे जितने भी टिकट हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं अगेन डैशबोर्ड में जाता हूँ, और यहाँ पे अभी मेरे जो टिकट है वो या तो मैंने असाइन करना है या फिर मैंने असाइन नहीं किया है, तो सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी करंट का टिकट। तो अगर मुझे इस टिकट को देखना है डिटेल्स में तो यहाँ पे एक्शन में व्यू का आइकन है, इसके ऊपर एडिट आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टोटल मुझे जो इन्फॉर्मेशन है गेस्ट का, कस्टमर का, वो सारा कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे टिकट आईडी क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रायोरिटी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी प्रायोरिटी अगर सेट करना है तो उस प्रायोरिटी को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो प्रायोरिटी हैं वो है यहाँ पे लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल, तो ये प्रायोरिटी हम लोग सेट कर सकते हैं। और अगर मैं एडिट में देख के सब चीज़ असाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं असाइन कर दूँगा। व्यू हिस्ट्री है कि इस गेस्ट ने जो कस्टमर्स है उसने कितने पहले टिकट क्रिएट किए थे, तो भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा।
तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसने दो टिकट क्रिएट किए हैं, जो कि एक तो ये है क्रिएटेड हुआ था, और किस डेट को क्रिएट हुआ था, कितना टाइम में क्रिएट हुआ था, आपको ये डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। और फिर से वो ओवरड्यू हो रहा है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। ओके, और अगर प्रीवियस टिकट देखेंगे तो प्रीवियस टिकट इसके कितने हैं वो आपको यहाँ पे केवल उसी गेस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस टिकट है, तीन टिकट इसने क्रिएट किया था, तीनों ही एक्टिव है, और गेस्ट का ये है, ईमेल ये है, गेस्ट का लॉगिन पासवर्ड ये है, सब कुछ यहाँ पे है। ये मल्टी असाइन है, असाइन नहीं हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मल्टी असाइन है। ओके, अगेन चलते हैं डैशबोर्ड में, और यहाँ पे हम लोग टिकट को व्यू कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे। अभी इस टिकट को मुझे रिप्लाई देना है, जो टिकट तो क्रिएट कर दिया कस्टमर ने, मुझे रिप्लाई देना है। तो यहाँ पे मैं कैंडिड रिस्पॉन्स है, अगर मैं कुछ रिस्पॉन्स सेव करके रखता हूँ कि हर बार मुझे रिस्पॉन्स देना है, तो जस्ट उसको मैं हर बार लिखने के बजाय मैं क्या करूँगा, उसको कहीं एक जगह पर मैं सेव कर दूँगा और इसी के यूज मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे कैंडिड रिप्लाई में जैसे कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो इस ऑलरेडी मैंने कहीं पे सेव करके रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे कस्टमर सर्विस में मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अगेन मैंने सेव करके रखा हुआ है। इसी तरह से आप डिफरेंट जो कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आज चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी से भी आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं, कोई कंटेंट है तो चैट जीपीटी से भी डायरेक्टली यहाँ पे लिखवा देंगे, तो टेक्स्ट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड फाइल आप कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहेगा इन प्रोग्रेस, जब भी आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट है, अगर आपको तुरंत सेव नहीं करना है तो आप इसको एक ड्राफ्ट में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक बार हम लोग ये साइड बार में देख लेते हैं क्या क्या है। तो प्रोफाइल का ये सेक्शन है डैशबोर्ड वाला, तो डैशबोर्ड वाला हम लोगों ने देख लिया कि डैशबोर्ड में क्या है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल है, जो एडमिन का प्रोफाइल है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है, जो एडमिन का प्रोफाइल चेंजेज, स्विच टू डार्क मोड, अगर यहाँ पे इनेबल करते हैं इसको डार्क मोड के लिए, तो जो ये प्रोफाइल है वो डार्क मोड के लिए रहेगा। जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा तो ये देखिए, जो इस यूजर के लिए केवल क्या है ना, प्रोफाइल ये पूरा डार्क मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डार्क मोड में नहीं रहने देता हूँ, मैं इसको व्हाइट मोड में ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन ऑन ऑफ, अगर आप चाहते हैं कि ईमेल आपको मिले या फिर आप चाहते हैं नहीं मिले, तो फिर आप यहाँ से ऑन ऑफ इसका कर सकते हैं। ग्लोबल टिकट में रिसेंट टिकट है, टोटल टिकट है, एक्टिव है, क्लोज है, ओवरड्यू है, असाइंड है। तो यहाँ पे टिकट से रिलेटेड जितने भी टिकट हैं आपको वो सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिएगा, तो ये रिसेंट टिकट में ये वाला टिकट आया है, टोटल टिकट में देखते हैं टोटल कितने टिकट आए हैं, तो पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा पूरा टोटल टिकट का, कितने टिकट यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। ठीक है, एक्टिव टिकट में आप देख सकते हैं, ये सारे एक एक करके ना फिल्टर है, आप डिफरेंट डिफरेंट जो टिकट्स हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये टिकट है सेल्फ, जो टिकट है वो आप देख सकते हैं कि आपने कितने टिकट को असाइन किए हैं, और आपके ऊपर जितने टिकट हैं वो क्या क्या हैं, माई असाइन टिकट, सेल्फ असाइन टिकट, मतलब आपने खुद को कितने टिकट असाइन किए हैं और आपने दूसरों को कितने टिकट असाइन किए हैं, वो सारा चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। और टोटल जो क्लोज टिकट हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो क्लोज टिकट ऑलरेडी एक ही है, तो यहाँ पे क्लोज टिकट में यहाँ पे मिल जाता है। और जो टिकट डिलीट हो चुके हैं उनका भी यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कितने टिकट यहाँ पे डिलीट हुए हैं। उसके बाद से मेन कैटेगरी है और सब कैटेगरी है। तो मेन कैटेगरी में क्या करेंगे आप, यहाँ पे कैटेगरी जो डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे सेल्स है, सपोर्ट है, सिक्योरिटी है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे दिखेगा एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ऐड करने के बाद टिकट का आपको नेम देना है, वो व्यू देना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, रेडियो बटन है। तो ये कहाँ कहाँ दिखेगा ये टिकट, आप केवल टिकट में दिखाना चाहते हैं या फिर जो नॉलेज आर्टिकल वाला है वहाँ भी आप दिखाना चाहते हैं इस कैटेगरी को। ठीक है, अगर मैं बोथ करता हूँ तो ये फिर दोनों जगह पे दिखाई देगा। व्यू प्रायोरिटी है इसका, लो, मीडियम, हाई, क्या है प्रायोरिटी रहेगा। स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि स्टेटस जो ये कैटेगरी है यूजर को दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट जो हैं उनको आप दे सकते हैं, एडिट, डिलीट, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। अभी कैटेगरी के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरी हो सकते हैं। ठीक है,
वो भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे सब कैटेगरी देते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी का नेम देना है और उसके बाद से पेरेंट टिकट दे देना है। पेरेंट कैटेगरी क्या क्या होगा, किस किस कैटेगरी के अंदर ये सब कैटेगरी आएगा, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये है, और ये जो आर्टिकल्स वाला है जो मैंने आपको दिखाया था मेन ब्राउजर पे, ये आर्टिकल्स वाला पार्ट है। तो यहाँ से आपको आर्टिकल लिखना है, सब टाइटल लिखना है और उसको सेव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद से जब आप इसको एडिट करते हैं, तो मैं जैसे इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है और फीचर्ड इमेज आ रहा है, टैक्स आ रहा है कि किसके ऊपर ये टैक्स रहेगा, इसको पब्लिश करना है या अनपब्लिश करना है, या फिर इसको प्राइवेट मोड में रखना है। प्राइवेटली भी आप इसको स्टोर करके किसी और को भेज सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी और को ही सिर्फ मिले, बाकी पब्लिकली ये किसी को ना मिले, किसी सिर्फ एक क्लाइंट को ये आर्टिकल मिले, तो उसको आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कैटेगरी देख लिया, नॉलेज देख लिया, प्रोजेक्ट्स, राइट। तो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर ये टिकट ले रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ये मिलने वाला है, तो सारे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है ना, यहाँ पे आप इम्पोर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे सैम्पल फाइल आपको मिल जाता है CSV, और तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल डाल देंगे। सिर्फ आपको टाइटल डालना है, तो इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे नीचे डाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इम्पोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आप अलग अलग सेट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे IDD, लॉजिस्टिक, जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट हैं वो सारे डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैनेज रोल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय का रख सकते हैं, उनका रोल एंड परमिशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एम्प्लॉय को रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो उनका एम्प्लॉय का यहाँ पे डिटेल्स आता है। तो ये एम्प्लॉय जो हैं उनके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आप नए एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे नए एम्प्लॉय में कुछ डिटेल्स आपको पूछा जाएगा, वो डिटेल्स देकर आप यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं। टाइम जोन वगैरह है, यहाँ पे स्किल सेट वगैरह है, ये सब देखे सेव कर सकते हैं, और रोल एंड परमिशन है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप रोल बना सकते हैं, जैसे कि मैंने, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही या तीन रोल आप बना सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे जो भी आपको रोल का नेम रखना है वो रख सकते हैं, और उसका परमिशन आप दे सकते हैं। जैसे ये वाला है एम्प्लॉय का, तो जब भी आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो परमिशन है जस्ट आपको अलाउ कर दे। प्रोफाइल एडिट, ओके, एडिट कर पाएगा, ईमेल को अपडेट नहीं कर पाएगा, ओके। ये सब सिर्फ आपको यस नो में आंसर देना है, क्या क्या एक्सेस करेगा, क्या क्या आंसर नहीं करेगा, वो सब कुछ है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये मैनेज रोल्स के अंदर हो गया। लैंडिंग पेज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं डायनेमिकली कि जो ये लैंडिंग पेज है इसको इसको चेंज करना, राइट। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे वुड यू एबल टू असिस्ट में, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लैंडिंग पेज में फीचर बॉक्स का है ये, तो फीचर बॉक्स ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे फीचर बॉक्स में आप दे सकते हैं इंस्टेंट असिस्टेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस, टिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। इसको जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे इमेज डिटेल सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो लैंडिंग पेज है, कॉल टू एक्शन ये नीचे वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और उसके बाद टेस्टमोनियल और मेन FAQ। मेन FAQ में आप क्या कर सकते हैं कि FAQ आप सेट कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट आपको FAQ यहाँ पे मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, ये सब FAQ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कस्टमर्स, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स को आप डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं उनका ईमेल के हिसाब से। और यहाँ पे ईमेल है, और उसके बाद से जो भी एम्प्लॉय हैं, मतलब कस्टमर्स हैं, उनको आप इम्पोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, या फिर जो ऑलरेडी कस्टमर्स आपके पास हैं उनका भी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाता है,
तो ये कस्टमर्स का है, और जब कस्टमर्स आप ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे रजिस्टर डेट वगैरह भी ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे पासवर्ड आपको देना नहीं होगा, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। सर आपको क्या करना है, पासवर्ड कॉपी करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करता है इसके लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर सिंपल है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सब हो गया यहाँ पे लैंडिंग पेज, कस्टमर, कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो मैंने आपको दिखाया था, कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स में अगर उसको कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कैंडिडेट टाइटल यहाँ पे देंगे आप, और जो रिस्पॉन्स मैसेज है वो देंगे, और कुछ डायनेमिक जैसे कुछ फील्ड को लेना है, जैसे ऐप नेम है, तो यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं तो एप्लीकेशन नेम आ जाएगा, साइट का URL आ जाएगा, है ना, टिकट का ID आ जाएगा ऑटोमेटिक, यूजर और टाइटल, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो सब यहाँ पे आ जाएंगे अगर आप इसका यूज करते हैं तो। और ये डिफरेंट ग्रुप है, अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर मतलब कि जैसे आप चाहते हैं कि एक टिकट जो है वो एक ग्रुप को असाइन कर दिया जाए, तो वो टिकट आप यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को टिकट असाइन कर देंगे, तो ये ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप का जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा आपको, ग्रुप का लिस्ट। और सारे नोटिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि सारे नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। और सर्च यहाँ पे कर सकते हैं, न्यू कितने हैं तो न्यू के हिसाब से आ जाएंगे, यहाँ पे ऑन होल्ड कितने हैं, ठीक है, तो जो भी आप टिकट चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑन होल्ड में कोई भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। अच्छा, ये सब कस्टम पेजेज हैं, कस्टम पेजेज का डिज़ाइन वगैरह है, आप क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एक नया पेज, और उस पेज का नेम दे सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं जहाँ भी आप दिखाना चाहते हैं, व्यू इन हेडर, फुटर, जहाँ भी आप दिखाना चाहते हैं, नया पेज बना के आप उसको दिखा सकते हैं। तो जब इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, तो जब इसको आप प्रैक्टिकली, अभी क्या है कि बहुत बड़ा एक टास्क हो जाएगा, बहुत बड़ा एक चीज़ हो जाएगा कि अगर एक एक चीज़ करके दिखाया जाए, तो आप जब इसका यूज करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, एक एक करके चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे इसका यूज करना है। जैसे क्रिएट पेज है, आप यहाँ पे टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, और इसको कहाँ पे आपको दिखाना है, मतलब आपको हेडर फुटर दोनों में दिखाना है या फिर केवल एक जगह पे दिखाना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और होलीडे है यहाँ पे, तो होलीडे जैसे कि कस्टमर जो था उसमें दिखाई दे रहा था कि अगर आप यहाँ पे होलीडे यूज करते हैं तो उसको होलीडे दिखाई देगा, तो उस दिन कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, तो ये होलीडे वाला हो जाता है यहाँ पे। फिर से बिजनेस आवर, जैसे कि वहाँ पे बिजनेस आवर दिखाई दे रहा था, तो वो बिजनेस आवर यहाँ पे आप रख सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते हैं, जो आइकन आ रहा था टॉप में, तो कब से कब तक ओपन है, क्लोज है, स्टार्ट टाइम क्या है, इन टाइम क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे डायनेमिक है, तो यहाँ पे वो दे सकते हैं आप। और कस्टमर हो गया, ग्रुप हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, कस्टम पेज हम लोगों ने देख लिया, कस्टम फील्ड, अगर टिकट के अंदर आप कोई नया कस्टम फील्ड ऐड करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो एक और नया फील्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे लेबल फील्ड नेम है तो लेबल का नेम दे देंगे, और इसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, ईमेल, और थोड़ा भी अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट जो रिक्वायर्ड फील्ड, प्राइवेसी, स्टेटस, ये सब आप यहाँ पे डाल के इसको यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिएट टिकट्स में या फिर रजिस्टर में, तो ये सब आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो कॉमा सेपरेटेड आपको देना होगा, जो ऑप्शंस हैं, जैसे सिलेक्ट में क्या हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज, लैंग्वेज एक चीज़ है कि जो आप यहाँ पे लैंग्वेज को मैंने जैसे बोला सेट करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड लैंग्वेज, लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ट्रांसलेटर नेटिव नेम आप दे सकते हैं, सिलेक्ट लैंग्वेज कोड, यहाँ पे लैंग्वेज कोड आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और इसका डिफॉल्ट सेट कर लेंगे कि जो लैंग्वेज है जब ये ओपन करेगा तो इसको RTL में ओपन होगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर सेट है डिफॉल्ट कर देते हैं तो बाई डिफॉल्ट पूरे एप्लीकेशन का जो लैंग्वेज है वही काम करेगा। क्या होता है कि जैसे हम लोग के अरब साइड में जो होता है ना, कि वहाँ पे RTL में होता है, जैसे आप उर्दू और अरबिक लैंग्वेज ले रहे हैं तो
वहाँ पे वो जो होता है वो RTL होता है, मतलब राइट टू लेफ्ट होता है, ये जो पैनल होता है वो टोटली यहाँ पे राइट में होता है, तो वो भी फीचर है, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सब है लैंग्वेज। और उसके बाद आता है आपको ये सेटिंग्स वाला पार्ट। तो सेटिंग्स वाले पार्ट में आपको काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाती है पूरी वेबसाइट को हैंडल करने के लिए, जैसे यहाँ पे लोगो है, डार्क है, मतलब अपलोड डार्क लोगो, अपलोड डार्क आइकन, ये सारा कुछ आप दे सकते हैं। ये टर्म एंड कंडीशन का URL है, यहाँ पे कलर को चेंज करने के लिए आप दे सकते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ग्लोबल डेट है, फर्स्ट डे ऑफ वीक, कई जगह पे ये फ्राइडे से शुरू हो सकता है, कई जगह पे ये ट्यूजडे से शुरू हो सकता है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जो कॉन्टेक्टर्स है वो दे सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो टू ऑथेंटिकेशन सेटिंग है वो दे सकते हैं। ChatGPT का आपको यहाँ पे, अगर आप ChatGPT से आप रिप्लाई दिलवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उसका सीक्रेट की देना होगा। उसी तरह से यहाँ पे है आपका इनेबल सेशन नाइट टाइम आउट, ये क्या है, तो सेशन टाइम आउट कितने दिन में होगा, ये सब आप दे सकते हैं। इनएक्टिव कस्टमर एंड गेस्ट डिलीट, तो ऑटोमेटिक कर देते हैं तो 1 month के अंदर डिलीट हो जाता है कस्टमर का, डिलीट डे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा अगर इनेबल करके फील्ड में आपको देना होगा। अभी जैसे डार्क मोड है, ये डार्क मोड जो है वो डिजेबल है इसमें, ठीक है, अगर आप इसको डिजेबल कर देते हैं तो जो पूरा एडमिन पैनल है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो मैं अभी इसको इनेबल रखता हूँ तो हो जाता है फिर से इनेबल डार्क मोड फॉर ऑल कस्टमर्स। अगर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो डार्क मोड जो है वो पूरे कस्टमर के लिए यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे इनेबल करते हैं ग्लोबली और यहाँ पे आप इसको डिजेबल करते हैं तो पूरा जो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो एप्लीकेशन है वो डार्क मोड में हो जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये भी आप कर सकते हैं ग्लोबली के लिए। उसके बाद से इनेबल ईमेल टू टिकट, ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि डिफरेंट लॉगिन है, सोशल लॉगिन, साइड मेनू आइकन, इसको आप ऐसे अगर इनेबल कर देंगे तो फिर ये स्टेटिक हो जाएगा, ये फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे ही ओपन रहेगा। लेकिन अगर आप इसको डिजेबल करते हैं तो ये रहेगा, पॉपअप में चाहते हैं या फिर पेज चाहते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फोटर का जो ये वाला पार्ट है, कॉपीराइट वाला पार्ट, ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो एक एक करके आपको ना, एक एक करके आपको देखना होगा इसको, एक एक करके, उसका टाइटल है यहाँ पे और उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप एक एक करके रीड करके इसका चेंज कर सकते हैं। अगर इनेबल करते हैं मेंटेनेंस मोड तो टोटली वेबसाइट जो है वो कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा, मतलब जब तक आप इसको डिजेबल नहीं करते हैं तब तक ये मेंटेनेंस मोड में रहेगा। ये जो है वो टिकट से रिलेटेड सेटिंग है। तो टिकट ID जो ID है वो किससे स्टार्ट होगा और करेक्टर लिमिट क्या होगा टाइटल का, तो यहाँ पे है जो मैक्सिमम टिकट अलाउड 1 hour में कितना होगा या फिर कितने आवर में कितना मैक्सिमम अलाउड है, तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। SEO से रिलेटेड है, गूगल एनालिटिक्स है, कस्टम है, कैप्चा है, सोशल लॉगिन है। सोशल लॉगिन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो सोशल लॉगिन में इवेंटो है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये जो चार हैं इनका आप यूज करके आप सोशल लॉगिन करा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने गूगल के लिए किया है तो इसके गूगल के लिए आ रहा है। यहाँ पे ईमेल सेटिंग में आप देख सकते हैं कि आपको किस ईमेल से सेटिंग भेजना है, मेल भेजना है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो ईमेल सेटिंग का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि किस ईमेल से आपको मेल भेजना है, तो जो भी आप यहाँ पे देंगे, मेल होस्ट, पोर्ट, पासवर्ड, इंक्रिप्शन एंड फ्रॉम मेल, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल अगर आपको चैट लगाना है तो लगा सकते हैं। सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो अगर आपको सिक्योरिटी लगाना है तो लगा सकते हैं यहाँ पे। कौन से कंट्री को आपको ब्लॉक करना है, कौन से कंट्री को अलाउ करना है, ये सब पार्ट जो है वो सिक्योरिटी का है, एडमिन के लिए है, डॉस के लिए है ना, डोमेन लिस्ट, कौन कौन से डोमेन पे ये एप्लीकेशन ओपन होगा, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। IP यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूजर का IP है तो ब्लॉक कर सकते हैं। अभी अगर आप पूछेंगे कि IP तो मुझे पता नहीं चलेगा कस्टमर का, तो कैसे, तो IP भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्यू टिकट में जाके तो IP भी मिलता है। मैं एक बार डैशबोर्ड में जाता हूँ और व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ,
इस कस्टमर के लिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो आईपी आ रहा है, राइट। तो ये आईपी आप यहाँ पे दे सकते हैं कस्टमर को ब्लॉक करने के लिए। जैसे ये वाला आईपी वाला लिस्ट है, तो इसमें अगर मैं जाके आईपी अगर दे दूँगा, है ना, ये आईपी, तो ये अनब्लॉक हो जाएगा। तो फिर इस आईपी से ये ओपन नहीं होगा और टिकट को रेज नहीं कर पाएगा। अनाउंसमेंट जो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो मैंने दिखाया था अनाउंसमेंट, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि वेलकम टू लर्नकोड जोन, और किस किस डे को आएगा, स्टार्ट डेट क्या होगा, एंड डेट क्या होगा। फिलहाल मैंने इसका स्टार्ट डेट एंड डेट दोनों को ब्लॉक करके रखा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। ईमेल टेम्पलेट, यहाँ पे मल्टीपल्स ईमेल टेम्पलेट्स हैं जो मिल जाएगा यूजर्स को, कस्टमर्स को, ठीक है। वो मिल टेम्पलेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मिल टेम्पलेट हैं, आप किसी को भी अगर आप उसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर, जैसे कस्टमर रेटिंग टू एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक योर टिकट आईडी जो मेल का सब्जेक्ट है वो इस तरह से जाएगा। टिकट आईडी जो है वो डायनेमिक है यहाँ पे। तो टिकट आईडी के साथ योर टिकट आईडी मेल आईडी में सक्सेसफुली, ईमेल बॉडी है ये डियर, और टिकट का जो यूजर नेम है वो रिसेंट टिकट इज दिस, एंड यहाँ पे जो भी कुछ आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एडिटर मिल जाता है, इस एडिटर में आप चेंज करके मेल को चेंज कर सकते हैं, या अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी से भी मेल टेम्पलेट डायरेक्टली यहाँ पे लिखवा सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको मिल जाता है यहाँ पे रिपोर्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे ईमेल हैं। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कितने एम्प्लॉय हैं, कस्टमर कितने हैं, टिकट कितने हैं, यहाँ पे न्यू कितने हैं, प्रोग्रेस कितने हैं, ये सारा जो टिकट्स का रिपोर्ट है वो आपको तुरंत मिल जाता है। यहाँ पे नॉलेज में इसमें ये सब जो नॉलेज है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आप उसके डिटेल में पहुँच जाते हैं। रेटिंग कितने हैं एम्प्लॉय का वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो एम्प्लॉय हैं उनका रेटिंग कितना कितना दिया है कस्टमर्स ने, तो रेटिंग के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे क्लियर कैचेज है, अगर आपको वेबसाइट थोड़ा सा स्लो अगर चल रहा है तो जस्ट यहाँ पे क्लियर कैचेज में क्लिक करके आप कैचेज को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट, उसके बाद से जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट है एम्प्लॉय के लिए वो हो जाता है। तो ये जो पूरा फीचर्स है वो एडमिन का फीचर है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रैक्टिकली मैं एक टिकट जनरेट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे टिकट काम करेगा। तो मैं इसके लिए डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में हूँ और एक मैं टिकट जनरेट करता हूँ एक एम्प्लॉय के थ्रू, एक कस्टमर के थ्रू। तो सारे टैब्स को क्लोज करके मैं जाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड में और मैं टिकट जनरेट करता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं एक न्यू टिकट क्रिएट कर देता हूँ, तो सब्जेक्ट मैं दे देता हूँ न्यू, न्यू टेस्ट टिकट, ओके। कैटेगरी में टेक्निकल सपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सब कैटेगरी में सेलेक्ट कर सॉफ्टवेयर एरर, और प्रोजेक्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्लावर फ्यूजन, ओके, या फिर मैं यहाँ पे टेक्नोवा में प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं सेम डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ फाइल वगैरह तो मैं दे सकता हूँ, और इसको मैं क्लिक कर दूंगा आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। अगर टर्म एंड कंडीशन पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन भी देख सकता है, और जस्ट क्रिएट टिकट। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे एक साउंड आएगा, यहाँ पे एक टिकट जनरेट हो गया, यहाँ पे टिकट इसने क्रिएट किया और यहाँ पे टिकट आ गया एक साउंड के साथ। और यहाँ पे देखिए टिकट का टाइटल क्या है, न्यू टेस्ट टाइटल, ओके। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे टिकट। मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और आपको याद है कि मैंने सेलेक्ट किया था टेक्नोवा सॉफ्टवेयर एरर, ठीक है, कैटेगरी उसका था टेक्निकल एरर। और आज का डेट यहाँ पे दिखा रहा है, असाइन मैंने किसी को नहीं किया है, जो असाइन एक्टिविटी है वो गेस्ट है, और आईपी भी उसका दिखा रहा है, कंट्री इतना है और इंडिया का टाइम जोन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क, सेव कर देता हूँ एक मैं नोट, जस्ट यहाँ पे एक सेव कर देता हूँ इस टिकट के लिए। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक टास्क मैंने सेट कर दिया और यहाँ पे रिप्लाई मैं दे देता हूँ एक कैंडिडेट रिप्लाई, जैसे कस्टमर सर्विस के लिए थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, योर क्यूरी इज इम्पोर्टेंट टू अस, ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं।
कि कैसे कैंडिडेट रिप्लाई वगैरह देना है, और मैं क्या करता हूँ इसको रिप्लाई कर देता हूँ। अभी जब मैं इसको रिप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसको एक नया नोटिफिकेशन मिल गया जो यूजर्स हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ पे देखें ये जो है क्रिएट किया था न्यू टिकट और क्या आया विवेक पांडे का जो एडमिन पैनल से है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग सेव क्यूरी इम्पोर्टेंट टू अस, ये जरूर जो रिप्लाई है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस हो गया है। अभी अगर मुझे फिर से कुछ रिप्लाई देना है तो मैं इसका रिप्लाई यहाँ पे दे सकता हूँ। ओके, मैं होम में जाता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डैशबोर्ड में चला जाता हूँ और डैशबोर्ड में जाके मैं देखता हूँ तो अभी 4 टिकट है और ये टिकट है और इसका स्टेटस देखिए तो यहाँ पे प्रोग्रेस है। ओके, और ये जो टिकट है वो 57 सेकंड पहले मैंने दिया था और इसमें देखेंगे डैशबोर्ड में जाके और फिर से जब मैं इसको ओपन करूँगा ओवरड्यू हैड बीन सॉल्व, ठीक है, तो ये टिकट तो मैंने रिप्लाई इसका दे दिया था इसलिए यहाँ पे चला गया है। अभी यहाँ पे चला गया है न्यू टिकट में, अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो है उसने रेज किया था और ये मैंने रिप्लाई दिया था इस टिकट का, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे ग्लोबल टिकट में देखेंगे तो रिसेंट टिकट में ये आ जाएगा। तो ये है न्यू टिकट टेस्ट वाला जो कि इन प्रोग्रेस में है, गेस्ट ने इसको क्रिएट किया था, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, और फिर से आप इसको रिप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये रहा जो आपका जो है यूजर्स उसके लिए। अब मैं असाइन कर देता हूँ इसको अदर असाइन में और असाइन कर देता हूँ मैं एक एम्प्लॉय को जो कि आयुष कुमार है और इसको मैं सेव कर देता हूँ असाइन करके। साइन हो गया, सेव हो गया। मैं क्या करता हूँ ये जो है ना इसको मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और इस एम्प्लॉय से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने इसे लॉगिन कर लिया और चूंकि ये एम्प्लॉय है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे टिकट में रेज हुआ है। मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा और यहाँ पे देख सकते हैं नाम आ गया है आयुष कुमार और इसको आप देख सकते हैं रिसेंट टिकट एक है जो टिकट आया है यहाँ पे, अनअसाइन टिकट इतने हैं, सेल्फ असाइन टिकट इतने हैं, माई असाइन टिकट इतने हैं और यहाँ पे इसके टिकट में देखेंगे एक्टिव टिकट में तो यहाँ पे ये सब जो टिकट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है और इसको 31 टिकट रेज हुए हैं यहाँ पे न्यू टिकट में जो मैंने अभी असाइंड किया था। ऐसे जो टिकट इज असाइंड इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये दिख जाएगा मुझे, ठीक है, न्यू टिकट हैज बीन क्रिएटेड, दिस टिकट असाइन टू यू, प्लीज इस फंड, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल असाइन है, असाइनर कौन है इसका यहाँ पे आप देखिएगा तो असाइनर कौन है, सुपर एडमिन असाइन किया है, असाइनी कौन है, कौन है वो है आपका एम्प्लॉय जो कि मैं हूँ यहाँ पे जिससे मैंने लॉगिन किया है और किसका टिकट है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी एक मैं एक कैंडिडेट रिप्लाई दे देता हूँ और जब मैं इसको रिस्पॉन्स भेजूँगा तब ये फिर कस्टमर को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या रिप्लाई मुझे मिला है ये कस्टमर। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ, पहले विवेक पांडे ने रिप्लाई दिया था जो कि एडमिन था, सुपर एडमिन, फिर इसने एम्प्लॉय ने एक रिप्लाई दिया चूँकि मैंने जो एडमिन है उसने एम्प्लॉय को असाइन कर दिया था और ये एम्प्लॉय जो है उसको रिप्लाई दे रहा है तो उसका इमेज और टाइटल के साथ यहाँ पे इसका आ गया। और एक और चीज़ था यहाँ पे कि मैंने जब एडमिन था तो एडमिन ने एक टास्क यहाँ पे ऐड किया था टिकट के लिए नोट, तो नोट यहाँ भी आपको दिखते रहेगा कि क्या नोट है इसका, ठीक है। तो कुछ भी इंटरनली अगर कुछ मैसेज वगैरह देना है तो यहाँ पे वो दे सकता है जो एम्प्लॉय है और टोटल जो नोटिफिकेशन वो आपको यहाँ पे दिखते रहेगा कितने सारे नोटिफिकेशन मिल रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पे मिलते रहेगा।
तो आई होप कि ऑलमोस्ट मैंने जितने भी फीचर्स हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। अगर आप इसको यूज करते हैं, इस एप्लीकेशन का पूरा आप यूज करते हैं, तो आई एम श्योर कि जब आप इसको यूज करेंगे और प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तो सारे फीचर्स को आप प्रैक्टिकली जब खुद से करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे इसका यूज करना है। और ये काफ़ी अच्छा है, बेनिफिट है आपके कस्टमर्स के लिए। आपका जो टास्क है, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है और आपका जो कस्टमर सर्विस है, उसको काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं और अगर आप इसका डेमो लेना चाहते हैं, तो नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इसका डेमो देना है। उसके साथ ही आपको इसका अपना नेम और ईमेल भी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा और आपको मैं इसका डेमो जो है मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।